का जो माहौल है इस गाने में उसको दर्शाया है, और उस लिहाज से हम लोगों ने इस गाने को बनाया, और उम्मीद करता हूँ कि हर किसी को ये गाना पसंद आए। तो संगीत क्षेत्र से जुड़े तो क्या कहना चाहेंगे, आज के दौर में एल्बम का जो है मार्केट किस तरह से है, कैसे लोग अप्रिशिएट करते हैं, किस तरह से? देखिए अभी डिजिटल दुनिया है, अभी दुनिया डिजिटल हो चुकी है। जैसे मोदी साहब ने जो कहा कि भाई डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया हो चुकी है। और अभी कैसा, पहले ये टाइम हुआ करता था कि भाई लोग सीडी बनाते थे, डीवीडी बनाते थे, अभी वो ख़त्म हो गया। क्या था हम देख रहे हैं अभी कैसा है कि मोबाइल कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना। आप कहीं पर भी जाइए, आज यूट्यूब का दौर है, डिजिटल साइट्स का दौर है, आप कहीं पर भी अपने मोबाइल बैठ के आप कुछ भी देख सकते हो। और यूट्यूब पर भी गाने को लिखा जाएगा, और पूरी मेहनत इसमें हम लोग सब मिल के कर रहे हैं, और अच्छा एक गाना बना है जो बहुत जल्दी ही मार्केट में। और इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? देखिए काम कर रहा हूँ मैं, वैसे तो मेरी तकरीबन 15-16 फिल्में हैं। फर्स्ट मूवी मेरी हॉलीवुड मूवी थी, इंग्लिश मूवी माई बॉलीवुड ब्राइड। उसके बाद में एक फिल्म आई थी चांद के पार चलो, जो बड़ा हिट हुआ था, उसमें भी हमारे असलम साहब ने गाने लिखे थे। और उसके बाद में फिल्म आई ऐश्वर्या बिन फिरे फ्री में तेरे, और उसके बाद में फिल्म आई थी तेरा नाम लव स्टोरी, लव यू लव डे, लव यू फैमिली और हसीना। उसके अलावा गुजराती बंगाली भी फिल्म हमने किया, नागिन ऋतुपूर्णा सिंह का मूवी था। उसके बाद में अभी तमिल मूवी भी किया। तो इंडिया का जितने भी लैंग्वेज है सब में मुझे काम करने का अवसर प्रदान होगा। तो एक अच्छा अचीवमेंट मेरी लाइफ में ये है कि हमने अच्छा सभी लैंग्वेजेस में काम किया है। और उस ब्याह पे दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन ने मेरा नाम नॉमिनेटेड किया, और हमें अभी रविवार को अवॉर्ड दिया गया। तो इसके लिए हम थैंक्स टू दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन, थैंक यू। और मैंने उसमें गाने लिखा, और इसमें मैंने कोशिश की कि लखनऊ की जो तहजीब है, लखनऊ की तहजीब इस गाने में नज़र आए। तो अब फीमेल है तो किस तरह से है, तो मैंने उसको आइटम सॉन्ग के हिसाब से कि मैं एक ऐसी भूल भुलैया हूँ कि अगर मेरे पास आओगे तो तुम खुद अपने को भूल जाओगे, यहाँ से मैंने शुरू किया है। और इसमें ज़बान का ख्याल रखा है, लखनऊ की ज़बान, और गाना बहुत खूबसूरत हुआ है, और मोहतरमा ने गाया भी बहुत अच्छा है। तो सर जाना चाहूँगा कि जो शिशु गाना होता है कोई ऐसा लखनऊ के हर के बारे में, तो कितना ज़्यादा चैलेंज होता है किसी के लिए? बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप कोई एक सिचुएशन दे देते हैं और उस पर पूरा सॉन्ग लिखना है, तो ये वही कर सकता है जो जानता है। अभी तो क्या है कि फिल्मों में दो तरह के राइटर होते हैं, एक तो तुकबंदी करते हैं, दूसरे जो होते हैं बेसिकली शायर होते हैं। ये काम शायर ही कर सकता है, और मैं बेसिकली शायर हूँ, मैं ऑल इंडिया मुशायरे ही पढ़ता हूँ, और मुझे आप जो भी टॉपिक देंगे मैं उस पर गाने लिखता हूँ। इसके अलावा कौन से प्रोडक्ट्स में आप गाने? मैंने बहुत सारी, मेरे कम से कम 500 गाने रिकॉर्ड हुए हैं, 150-200 गाने रिलीज़ हुए हैं, और अभी लास्ट अभी एक फिल्म 11 तारीख को आने वाली है बॉम्बे सिटी, जिसमें महेश भट्ट साहब खुद एक्टिंग किए हैं, उसमें मेरा थीम सॉन्ग है। चार जगह वो गाना मेरा बसता है, और गाना बहुत लाइक किया लोगों ने। इससे पहले मैंने बहुत सारी फिल्में की, बस तुम्हें नहीं जाना चाहूँगा कि कैसा अनुभव था इससे रिकॉर्डिंग करने में, और क्या विषय लखनऊ से ताल्लुक था मैं खुद का, तो क्या कहना चाहेंगे लखनऊ के बारे में गाना है तो कितने उत्साहित इस गाने को लेकर? मैं कुसुम वर्मा, और फोक सिंगिंग करती रही हूँ। पहली बार मुंबई में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ढेर सारे पढ़ेंगे देखेंगे सुनेंगे कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में। और मैंने करीब 12-13 देशों में प्रोग्राम किए फोक के, और ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से जुड़ी हूँ, जो हमारा संस्कृति विभाग उससे जुड़ी हूँ, और फोक पे गाती रही हूँ। तो मुझे लगा कि आजकल फोक बेस्ड जो गाने हैं वो बहुत पहले से भी चले आ रहे हैं। तीसरी कसम का गाना था, चलत मुसाफिर मोह लिया रे बिजरे वाली मोहन, और इस तरह के बहुत सारे गाने हैं। क्योंकि मैं भोजपुरी अवधि फोक भी बहुत गाती हूँ, तो बहुत अच्छे अच्छे ऐसे गाने हैं जो मैं हर लाना चाहती हूँ, और ये निश्चित रूप से उसकी शुरुआत है। और
हमारे इस गाने को कंपोज कर रहे हैं, हमारे साथ इसमें वो गा भी रहे हैं, तो उनका साथ मिला। शुरुआत ही हमारी इतनी खूबसूरत है, तो निश्चित रूप से हमारा एल्बम, हमारा गाना भी इतना ही खूबसूरत होने वाला है। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो भी लखनऊ के हैं, ओपी शर्मा जी, और हमारी जो कंपनी है जो उसको स्पॉन्सर कर रही है, पिक्सल म्यूज़िक। और एक बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए ये होगा, इसका हम वीडियो भी शूट करेंगे, और बेहद खूबसूरत अंदाज में कि पूरा लखनऊ, पूरी दुनिया को हमारे इस गाने में दिखाई दे। तो कुसुम जी, वीडियो की शूट करने की बात कर रहे हैं, तो वीडियो में भी आप खुद नजर आएंगे, क्योंकि जाना पहचान नजर आने का। हाँ जी, हाँ जी, मैंने कहा कि मैं परफॉर्मर हूँ, और वीडियो में भी आप मुझे भी पाएंगे, और हमारे साथ और लोगों को भी आप पाएंगे। हमारे जो मेल वर्जन का गाना है, जो अंतरा है, उसमें कोई मेल भी होगा हमारे साथ में, और अभी उसकी अभी डिसाइड नहीं हुआ कि कौन होगा, बात चल रही है। चूँकि आज हम गाने को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारा ये फाइनल हो जाने के बाद हम वीडियो के तरफ अपना रुख करेंगे। ये एल्बम का थीम क्या है, रोमांटिक है, क्या है, यंगस्टर्स के लिए, सबके लिए ये एल्बम? हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत सवाल आपका। ये गाने का थीम है, उसका टाइटल ही है नवाबी इश्क। तो जो तहजीब है, जो अंदाज़े बयां है, वो उसका पैगाम पूरी दुनिया को पहुँचाना चाहती हूँ आज के समय में, कि जो पहले के जो अंदाज थे वो कहीं खोते जा रहे हैं, उसमें एक अपना अलग मज़ा है, वो शायद हमारी इस नौजवान पीढ़ी में हमारे इस गाने से वापस आए। तो इतना समय क्यों लगा आपको मुंबई में रिकॉर्डिंग करने के लिए? क्या मतलब जो आप कर रहे थे उससे आप संतुष्ट थे, या आप नया कोई आयाम शुरू करने वाले हैं मुंबई में, बॉलीवुड से जुड़ने वाली? हाँ जी, राधा तो ऐसा ही है, बॉलीवुड से जुड़ने वाली, क्योंकि बॉलीवुड में सब जगह हमने काम किया, ऑल इंडिया रेडियो में, बहुत सारे प्रतिष्ठित मंच जिसको कहा जाए उस पर किया, देश विदेश में किया, यहाँ से लेकर के चाइना और न्यूजीलैंड तक। तो ये बाकी था हमारा फील्ड, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ से भी अपने फोक को लेकर के फिर से वही, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा नहीं, कुछ वही अंदाज़, कुछ वही शादी ब्याह के जो गाने हैं बड़े सुंदर, आज भी वो पुराना गाना, आज मेरे यार की शादी है, वही बज रहा है। कितना लंबा गैप है तब से उस गाने से लेकर आज तक, उस गैप को फिल करना चाहती हूँ, और बहुत ही जल्दी इसके बाद हमारा अगला प्रोजेक्ट इसी पर होगा, ये बेहद खूबसूरत गाना। तो ये जो एल्बम आ रहा है, किन का सहयोग है, किन का सहयोग से एल्बम आ रहा है, ये बता जाना चाहूँगा। एल्बम जो हमारा है, इसमें स्पेशल रूप से मैं कहूँ तो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं ओपी शर्मा जी, वो भी बहुत थे कि वो लखनऊ आए, मेरी उनसे मुलाकात हुई, और बातों ही बातों में ये मुखड़ा गुनगुनाए, आए हाय नवाबी इश्क मेरा है लखनवी, हाय नवाबी इश्क मेरा है लखनवी, बस यहीं से ये टैगलाइन मिली मुझे, और हम इस पर फ़ोन से बात करने लगे, हमारा काम चलने लगा। बहुत ही जल्दी इसका खूबसूरत वीडियो आपके सामने आएगा, और हम इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से लॉन्चिंग करना चाहते हैं, मुंबई से हम अपनी ये शुरुआत करें। और मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद में म्यूजिक का शौक लगातार रहा, मेरा प्रयाग संगीत समय से जुड़ा रहा, मैं बचपन से शौक था मुझे, उसके बाद मैंने लेफ्ट मजरा 2012 मैंने अपनी कंपनी बनाई पिक्सल ग्लोबल मुखड़ा प्राइवेट लिमिटेड, इट्स एंड बेसिकली रियल एस्टेट कंपनी डूइंग ब्रांड बिजनेस एज वेल एज कंस्ट्रक्शन। फिर मेरे दिमाग में एक चल रहा था, मैं लगातार सबके टच में रहता, जब भी फंक्शन होते हैं जाते रहते थे, मुझे भी समझ में गाना लेकर जब आए तो मैंने सोचा कि वर्टिकल खोल के एक कंपनी बनाई जाए, जिसमें अच्छे अच्छे कलाकारों को जो बिखरे हुए हैं, जो अच्छा गाते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, अपनी कंपनी का एक वर्टिकल लाइन खोला, जो मैंने पिक्सल म्यूजिक .in के नाम से कंपनी बनाई। इट इज़ इन प्रोसेस। कुसुम जी ने गाना सुनाया, उसके बाद मैंने कहा कि मैं प्रोड्यूस कर दूँगा इस गाने को, मेरी कंपनी प्रोड्यूस करेगी, सी मे बी द वन ऑफ द पार्टनर ऑफ दिस कंपनी। तो मुझे अच्छा लगा, आप जानते हैं कि नवाबी इस मस्जिद अली शाह ठुमरी के जनक बाबुल मेरो नहीं है छोटो जाए, वहीं से पैदा हुआ था। तो लखनऊ की जितनी चीज़ें जो इन अपकमिंग जनरेशन है जो जानती नहीं लखनऊ, इंटरनेट है तो कोई भी है, उसको पूरे लखनऊ के विज़न को समाहित करते हुए वीडियो रिकॉर्ड होता है, जिसमें कि आप भी उस चीज़ को नहीं जानते हैं 1857 से लेकर अब तक क्या क्या परिवर्तन हुए, 21 से लेकर हम मेट्रो पे आए हैं, ये पूरा दर्शन टोटल लखनऊ दर्शन होगा। अगर किसी को लखनऊ के बारे में जानने की ज़रूरत होगी तो नवाबी इसको डाल के देख लेगा, लखनऊ का सारा चित्रण ले जाएगा।
लग रहा हूँ कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म बने, क्योंकि सारे लोगों को मुंबई आना पड़ता है, सारे लोग नहीं आ पाते, कई लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मेरा विज़न है कि मैं कोई बड़ा प्लेटफॉर्म लखनऊ में बना दूँ, क्योंकि लखनऊ इज़ गोइंग टू बी मेट्रो सिटी। लखनऊ में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला लोगों को, तो और गवर्नमेंट भी प्रमोशनल दे रही है फिल्म को लखनऊ में आने के लिए, राजधानी में, उत्तर प्रदेश में फिल्म का निर्माण हो, सारी चीज़ें उसमें सारी सहायता भी कर रही है गवर्नमेंट, और संगीत को अपने पुरानी चीज़ों को समाहित रखने के लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी हेल्प कर रही है। मेरे मन में है लेट अस ऑर्गेनाइज द सेट, मुझे ऑर्गेनाइज करें लोगों को, अच्छे कलाकारों को चांस दें जो पीछे रह जाते हैं, भीड़ में खो जाते हैं, जिनका कोई अच्छे कलाकार होते हैं, स्ट्रीट भी गाते हैं, लेकिन उनको कोई बैकअप देने वाला नहीं, क्योंकि अर्थ जो होता है पैसा, पैसा सब कुछ होता है, बहुत कुछ नहीं तो भी सभी कुछ होता है, पैसा हर चीज़ में लगता है, उनकी अर्निंग्स भी नहीं होती है, देखते हैं कलाकार अपनी अर्निंग भी नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह। तो मेरा विज़न यही कि मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म दूँ, और कंपनी को आप लोगों का सबका सहयोग है, कंपनी के अच्छे प्लेटफॉर्म में जाए, और मेरा यही एक सपना अधूरा रह गया था वो मैं पूरा करने की कोशिश में लगा हूँ, लगातार मैं लगा रहा हूँ इसमें हर तरह से सपोर्ट कर रहा हूँ। कुसुम जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो है आज कुसुम जी का मैंने कई बार परफॉर्मेंस देखा, और हमने परफॉर्म भी साथ में किया, क्योंकि मैं खुद गायक कलाकार हूँ, स्टेज प्रोग्राम में हम साथ में रहे थे, तो मैंने उनका देखा कि जो नेचुरल भारतीयता, नेचुरल गांव की चीज़ें हैं वो भी उनको आती है, और उनका डांस भी अच्छा है, शास्त्रीय संगीत भी सीखा है, वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ाती हैं, और कुल मिलाकर वॉइस है, सब लोग अच्छा है, सारी चीज़ें मैंने देखा, ध्यान दी, कोशिश किया है, ये सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हो जाए। उसी के नाते हमने पिक्सल म्यूजिक, क्योंकि पिक्सल ग्लोबल इंटरप्राइज लिमिटेड मेरी कंपनी है, क्वालिटी कारोबार बड़ा कर रही है, उसके साथ में वर्टिकल बनाया है हमने, पिक्सल ही उसका प्रीफिक्स रहेगा, क्योंकि पिक्सल के नाम से हमारी कंपनी जानी जाए, पिक्सल म्यूजिक डॉट इन के नाम से कुछ दिन में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसी गाने के साथ ही हम शुरुआत करते हैं।